बाहुबली फेम स्टार प्रभास ने बनाया ये बड़ा रिकॉर्ड, बने सबकी पहली पसंद। डंडा। बाहुबली फिल्म से रातों रात पूरी दुनिया में तहलका मचाने वाले सुपरस्टार प्रभास ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर अपना ऑफिशियली अकाउंट बना लिया है। अकाउंट खुलते ही प्रभास को फॉलो करने वालों की गिनती लाखों में पहुंच गई। बता दे, बाहुबली के पहले तक प्रभास की पहचान सिर्फ तेलुगु फिल्मों के हीरो तक ही थी, लेकिन बाहुबली की दोनों कड़ियों को मिली अप्रत्याशित कामयाबी के बाद वे देश और दुनिया भर में छक गए। इस वक्त वे बाहुबली के बाद अपनी अगली फिल्म साहू की शूटिंग में बिजी हैं। इस बहुभाषी फिल्म में उनके साथ श्रद्धा कपूर की जोड़ी होगी। फिल्म के इस साल अगस्त में रिलीज होने की उम्मीद है। प्रभास को बॉलीवुड में लाने की कोशिशें भी लगातार जारी हैं। एक तरफ बाहुबली की मार्केटिंग करने वाली करण जौहर की कंपनी लगातार उन पर हिंदी फिल्म में काम करने के लिए दबाव बना रही है, तो दूसरी ओर बोनी कपूर भी इस फिराक में है कि वे प्रभास को हिंदी फिल्मों में लॉन्च करें। खबरों के मुताबिक बोनी कपूर ने प्रभास को 3 फिल्मों की योजनाएं भेजी है। तीनों ही तेलुगु फिल्मों के प्रस्ताव हैं, जिनका रीमेक बोनी उनके साथ बनाना चाहते हैं। प्रभास को इन तीनों में से किसी एक को चुनने की आजादी दी गई है। उधर करण जौहर कई बार इशारा कर चुके हैं कि वे प्रभास और अनुष्का शेट्टी को हिंदी में लॉन्च करना चाहते हैं, और साथ ही करण जौहर बाहुबली की तीसरी कड़ी की संभावना भी तलाशते रहते हैं। हालांकि बाहुबली की दोनों कड़ियों के निर्देशक एस एस राजामौली ने तीसरी बाहुबली की संभावनाओं को अब तक नकारा है।